अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आलू पालक बनाने की रेसिपी। वैसे भी आजकल पालकों का मौसम है, सर्दी भी आने को है, तो आप भी ये बनाएं और एंजॉय कीजिए कुछ डिफरेंट तरीके से और कुछ हटके और बहुत ही सिंपल तरीके से। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू पालक। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, एक वोक मैंने चूल्हे पर रख दिया। चूल्हे को मैं मीडियम पे ऑन कर देता हूँ और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा आधा कप ऑयल। ये देखिए, और अब इसके अंदर कुछ कड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। और अब मैं इसी के साथ ऐड करूंगा जीरा 1 टीस्पून और इसे हल्का सा क्राई कर लूंगा देता हूँ। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर डाल दूंगा प्याज। मैंने एक मीडियम साइज की ली थी, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए। और अब मैं इसे भी मिक्स कर लूँगा। बस प्याजों का हल्का सा कलर कलर चेंज होने दूंगा, बस चंद सेकंड तक। ये देखें, प्याजों को मैंने हल्का सा भून लिया था मसालों के साथ चंद सेकंड तक। और अब मैं इसी के साथ डालूँगा 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च। और अब मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च पे भी इसे भून लूँगा चंद सेकंड तक। और अब मैं इसके साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगा, जिसमें से 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करूंगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करूंगा 2 टीस्पून। और अब मैं मसालों के साथ चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लूंगा। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, 1 टेबल स्पून। ये देखें, मसालों के साथ मैंने इसको अच्छे से भून लिया। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे हल्के से सोख हो जाए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रहा हूँ और ये देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हल्के से। लेकिन अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूँगा आलू। ये देखिए, मैंने 4 मीडियम साइज के थे, जिसे मैंने एक आलू के इतने इतने स्लाइस कर लिए। एक आलू के मैंने 6 स्लाइस किए और इसे मैंने पानी में रख दिया ताकि आलू हमारे काले नहीं पड़े। और अब ये मैं आलू इसके अंदर ऐड कर दूँगा। और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगा अच्छे से। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रहा हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। ये देखें, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा पालक। ये देखें, मैंने यहाँ सिंधी पालक ले लिया था, जिसे मैंने अच्छे से पहले काट के फिर धो के बॉयल कर लिया था। और ये मैंने 1 केजी लिया ले लिया था और इसे मैंने पीस लिया था चॉपर में डाल के। तो ये बॉयल होने के बाद और मैंने इसको पीस लिया था, उसके बाद ये देखें 1/2 केजी के बराबर हो गया। और अब ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगा पालक। ये देखें, और अब मैं इसे पालक के साथ भी अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मैंने घर के बेसिक मसालों से आपको ये पालक आलू बनाना सिखाया है, आप भी बनाएं, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर में आलू भी हमारे गल जाएंगे और ये पालक भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और चूल्हे को मैं इस वक्त स्लो कर दूंगा, मीडियम लो पे रख दूंगा। अब तक हमारा मीडियम पे था और अब मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगा, फिर मैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये देखें, 15 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रहा हूँ। ये देखें, तेल भी ऊपर आ चुका है। और अब देखें, मैं इसको अच्छे से भून लूँगा 2 से 3 मिनट तक। बस अब मैं मुसलसल चम्मच हिलाता जाऊँगा और इसे भूनता जाऊँगा। ये देखें, इसे मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिए। तो पालक आलू हमारा पूरे तरीके से रेडी है। चूल्हे को करता हूँ बंद
और ये देखिए मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूँ, बिल्कुल हलवाई जैसा बन के तैयार हुआ है। और पालक लवर्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, मुझे पूरा यकीन है ये पालक लवर्स के लिए है और उन्हें ये बेहद पसंद आएगा जब वो ये मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चले और अब हम इस पालक आलू को सर्व कर लेते हैं। और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल गए थे। यहाँ देखिए एक मैंने डोंगा ले लिया, इसमें मैं सर्व कर लूँगा और अब मैं पालक आलू सर्व कर लूँगा। और अब मैं इसके ऊपर दो रख दूँगा हरी मिर्च, जिसको पसंद है तो वो खा लेगा जिस तरीके से मुझे। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें आलू पालक, वैसे भी पालक का मौसम है, ये आपको बेहद पसंद आएगा और मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखा है। अगर आपको ये पालक आलू की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।